ये देखो ये तो स्पीड बोट बन गई, पीछे से इतना तेज पानी मार रही है देखो, और बहुत बड़ी बोट है कि चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। गोवा का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन कह सकते हो आप, देख सकते हो चारों तरफ ये फाइव स्टार होटल हैं। थोड़ी थोड़ी मेरे को गोवा और राजस्थान जैसी उदयपुर जैसी फील आ रहा है यहाँ पर आके, तो है तो सुंदर जगह यार, जहाँ पर वो जंप करते हैं, वो स्टंटबाजी करते हैं। ये आ गई वो जगह, अभी यहाँ पर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं बस का, जो मुझे यहाँ से दारुस्सलाम लेके जाएगी। आज हम जा रहे हैं यहाँ से दारुस्सलाम, और बहुत अच्छा टाउन था, बहुत अच्छा मज़ा आया इनके गांव में देख के। और अभी किंग का फ्रेंड है जो मैंने अभी आपको थोड़ी लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो पूछने जा रहा है किसी से कि बस कहाँ से मिलेगी, मतलब बस यहाँ से मिल सकती है, सफारी कार भी जाती है वैसे, कहता है अगर उसमें जगह मिल गई उसमें, अदरवाइज बस आ जाएगी थोड़ी देर में। सो बस में चला जाऊँगा यहाँ से ना बैठ के मैं, 9 घंटे लगेंगे, 9-10 घंटे, 700 किलोमीटर के आसपास है, सुबह तक पहुंचूंगा आराम से। बस ने सुबह सुबह यहाँ ला के छोड़ दिया मुझे यार, मुझे लगा था जल्दी लेट पहुंचूंगा 10 बजे, तो सुबह सुबह 5 बजे ला के यहाँ छोड़ दिया। अब वेट कर रहा हूँ क्योंकि जो जांजीबार से दारुस्सलाम से जांजीबार फेरी जाएगी ना, वो जाएगी सुबह 7 बजे, और अभी बजे है 5। अब यहाँ बैठा हूँ बस स्टॉप पे, कोई भी नहीं है, लोग हैं जी इधर उधर जा रहे हैं, अब 1-2 घंटा यहीं वेट करूँगा फिर जाऊँगा यहाँ से। कुछ भी नहीं, अंधेरे में क्या दिखाऊँ आप लोगों को। ये कुछ ऐसी बस में आया था मैं, बस तो सिंपल सी थी, कोई ठीक थी, मतलब इतना इतनी वो बहुत ही टाइट थी, ठीक थी, हमारे इंडिया की वॉल्वो जैसी बस थी। यहाँ उतार दिया है बस ने मुझे, मैंने पूछा था कहते सुबह 10 बजे तक पहुँचेंगे, तो सुबह 5 बजे ला के खड़ा कर दिया है अभी मुझे। अभी टाइम लगेगा मुझे यहाँ से निकलने में ना, सोच रहा हूँ ऑटो करके चला जाऊँ। वैसे एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर दारुस्सलाम में ना ऊबर चलती है, कोई आए तो ऊबर डाउनलोड करके आना, चल जाती है इजीली। यहाँ से टिकट बुक हुई है, मैंने टिकट बुक करवा ली अपनी, और फेरीज वालों से टिकट बुक कराई है, $35 की पड़ी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 35 है, लोकल के लिए बहुत सस्ती है। यहाँ से टिकट दिखा के एंट्री करनी है, ये पता नहीं शायद अभी मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा, जैसा भी होगा बता दूंगा इसको। चलो देखते हैं, ये सामान लेने के लिए पीछे पीछे पड़ जाते हैं कि सामान दे दो अपना और कुछ पैसे मिल जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा मैं अपने आप उठा लूंगा, कोई चक्कर नहीं सामान उठाने की, ये पैसे बनाएगा यहाँ पर, ये खड़ा है ना बंदा इस टाइम पे, ये सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ये मांग रहा है पैसे, कहता हैवी लगेज है। मैं कहा मैं उठा लूंगा, तू टेंशन ना ले अपने आप। अब चलते हैं जांजीबार की तरफ और आपको बोट में बैठ के मिलता हूँ मैं। ऐसे होती है एंट्री बोट की, इकोनॉमी क्लास की टिकट ली है मैंने। यार यहाँ पर ना एक बात बहुत है, हर जगह ठग चोर भरे पड़े हैं, सारे अफ्रीका का यही हाल है, हर जगह चोरी ठगी, हर जगह पुलिस वाले मिले होते हैं साथ में, उनके ना वो मिलके करवाते होते हैं सारी चोरियां चारियां। ये कुछ आ गए हैं समुंदर के पास, बड़े दिनों के बाद देखने ला, बड़े दिनों के बाद देखने को मिला, ये है किलिमंजारो। बोट है सामने दिख रही होगी, इस बोट में जाना है हमने, चलो दोबारा चेकिंग होगी यार, नहीं यहाँ पे बैठने का है, पैसेंजर्स ओनली, चलो बैठते हैं। बिठा दिया सब लोगों को ना, जगह दिख रही है वो फर्स्ट क्लास है, ये इकोनॉमी क्लास है, और एक बीच वाली क्लास भी थी वो हमें मिली नहीं, महंगी थी, यही थी सबसे सस्ती। मैंने 4-5 काउंटर्स पे पूछा फास्टैग पे, और सब पे सब ने $35 बोला, बड़े स्मार्ट हैं, बड़े स्मार्ट है। मैंने कहा कि मेरे पास ना डॉलर्स है, चेंज दे दो, चेंज कोई देना, डॉलर के बदले डॉलर ना दे, कहते हैं शिलिंग ले लो, लेने का रेट है इनका 25, जो शिलिंग है 2500 $1 का, और अगर आप इनको दोगे टिकट लोगे तो 2800 के हिसाब से लेंगे, बड़े स्मार्ट बनते हैं। मैंने कहा मेरे पास कार्ड है, कार्ड यूज़ कर लो, फिर सोचने लगे, कहते हैं हाँ कार्ड दे दो, कार्ड यूज़ कर लो, कार्ड से मेरे लगे हैं $36, वैसे $35 लगने थे। यहाँ पे सारे ही स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को ना ऐसे बनते हैं कि जैसे पता ही नहीं, हमें तो भोले बन जाते हैं। साथ वाला काउंटर वाला कह रहा है डॉलर है, साथ वाला कहता नहीं है, 5-6 से मैंने रेट कंपेयर किया, सबसे कम इसी का 35 मिला, $35 है तो वर्थ नहीं, पर ऑप्शन नहीं हमारे पास, ये बोट लेके जाएगी हमें, उधर बैठी है बोट,
और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे जांजीबार। चलो बोट में चल के मिलता हूँ। चलो एक बेनिफिट तो हो गया मुझे, वो कहते आप टूरिस्ट हो तो टूरिस्टों को थोड़ा सा उन्होंने प्रिविलेज दिया है, वो कहते जा सकते हो। स्मेल आ रही है मछलियों की बहुत ज्यादा। एक वो है फास्ट फेरी और एक ये है फाल्कन सी। कहता VIP, मैं कह इकॉनमी। बोट तो बड़ी लग रही है यार, आई थिंक ये VIP सेक्शन है तभी सुंदर लग रहा है। हमारे वाला तो इकॉनमी है, पीछे घुसा देंगे हमें तो। समुंदर तो इनका काफी बड़ा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है देखने में। ये है इकॉनमी क्लास, पीछे बैठते हैं नज़ारे लेते हुए जाएंगे। जब से अफ्रीका आया हूँ अब जाके थोड़ा सा मुझे पॉजिटिविटी सी फील हुई है, क्योंकि मुझे बीच लाइफ ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू पहाड़ लाइफ। और चलो देखते हैं जांजीबार कैसा होता है और ये बोट कब तक चलती है। फोकस नहीं कर रहा, जांजीबार कैसा होता है और ये बोट कब तक चलती है। बोट चल पड़ी है भाई हमारी, पीछे से मार रही है तेज़, देखो पानी फेंक के मार रही है। बोट का टूर मैं आपको भी थोड़ी देर में दूंगा, क्योंकि एक बार चल पड़े ना थोड़ा सा सेटल हो जाए फिर मैं आप लोगों को बोट का टूर देता हूँ। अभी तो लेफ्ट मुड़ रही है, हम धीरे धीरे इसके पास आ रहे हैं, टैक के पास आ रहे हैं वापस। चल 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 चल, अंदर जब बैठे थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अब थोड़ा चल रही है ना अब थोड़ी कम गर्मी लग रही है। चल पड़ी, हाँ हाँ शुक्र है ठंडी हवा आ रही, अदरवाइज तो मर गए थे गर्मी में यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। जब आया था तब अच्छा मौसम था, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। कितना ज्यादा प्रेशर मार रही है पीछे पानी का, देखो पानी उछाल उछाल के बाहर फेंक रही है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा तेज चलने वाली है, क्योंकि वो पीछे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे डूब रही है ना पानी के अंदर, पानी अंदर घुस रहा है। नहीं पर अगर डूबेगी भी तो पीछे लाइफ बोट भी दे रखी है इन्होंने, वो दिख रही है लाइफ बोट दे रखी है, उसमें बैठ के बंदा निकल सकता है। एक दे रखी है लेकिन बंदे ज्यादा भर लिए इन्होंने। माय गॉड, ये तो स्पीड बोट बन गई यार, ये देखो ये तो स्पीड बोट बन गई। पीछे से इतना तेज पानी मार रही है देखो, और बहुत बड़ी बोट है। यहाँ जो गिर गया बंदा तो एक सेकंड में डूब जाएगा मेरे ख्याल से, तो नहीं बच पाएगा। बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, इस बोट का टूर दे देता हूँ। ये है वॉशरूम है और हेलो हाय, ये VIP लाउंज है और VIP लाउंज कुछ ऐसा होता है, अच्छा बना रखा है VIP लाउंज, तो बिजनेस क्लास है काइंड ऑफ यू कैन से दैट। हेलो, अच्छा पर इनमें बाहर बैठने का नहीं बना रखा। ये है जो अगला वाला है ये बिजनेस क्लास है और ये जो फर्स्ट क्लास है, आई थिंक दोनों में से ऐसे ही है। और हमारे वाला है हेलो, ये इकोनॉमी क्लास है, इसमें कोई AC नहीं है, ये टॉयलेट है। चलो टॉयलेट तो बाद में दिखाएंगे, पहले आपको नीचे जाके दिखा के लाता हूँ कि नीचे से कैसा दिखता है। वो तेरी का बड़ी फास्ट चल रही है बोट यार, फोन को टाइट पकड़ के चलना पड़ता है। यहाँ पर ज्यादा फील होता है, आप आओगे जब यहाँ पर ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर फील होता है। यहाँ पे पानी भी लग रहा है बोर्ड पे। अब देखो अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर भी जो ब्रिटिशर्स है यूरोपियंस है वो बहुत आते हैं और
अपने मतलब पार्टनर को ढूंढने, जिनकी काफी ज्यादा एज होती है, यंग लड़के मिल जाते हैं उनको, तो यहीं पे रहते हैं वो। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा यार, यहाँ पे देखो। फाइनली हम पहुंच गए, लगभग एक घंटा लगा और इतनी ज्यादा फास्ट चल रही थी बोट, मुझे नहीं पता आवाज आई होगी नहीं आ गई होगी, पर बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पे थे और बहुत जल्दी पहुंच गया। आप पीछे देख सकते हो मेरे, अब इंजन ऑफ हुए हैं, अब धीरे धीरे किनारे पे जा रहे हैं और आपको एक यहाँ की जो हार्श रियलिटी है वो दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, कि यहाँ पर क्या होता है। जंजीबार एक्सप्रेस, यहाँ पर लड़के आते हैं बहुत सारे लड़कियों को डेट करने जो फॉरेन से आती हैं, क्योंकि चलो उतर जाता हूँ फिर आपको सारी बातें बताऊंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है और क्यों इतने यूरोपियंस यहाँ आते हैं और यहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं उनके साथ क्यों घूमते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं कपल यहाँ पर और एक हार्श रियलिटी है वो भी आपको, एक बार उतर जाऊँ इस बोट से फिर बताता हूँ कि क्या क्या सिस्टम है यहाँ पर। मैं आ चुका हूँ अभी जंजीबार में जो तंजानिया का पार्ट है, पर यहाँ पर जब मैं एंट्री हुई ना मेरी बोट से एंट्री, वो बोट देख रहे हो उन बोट्स से एंट्री हुई मेरी, वहाँ पे जो बोट्स खड़ी हैं उनमें एंट्री हुई, पर यहाँ पे एक सिस्टम बड़ा अलग सा लगा मुझे ना। यहाँ पर एंट्री करने से पहले मुझे दोबारा से फिर से इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ा, इमिग्रेशन फॉर्म भर के फिर दोबारा एंट्री हुई। मैंने पूछा ये जंजीबार का तंजानिया का पार्ट नहीं है, कहते पार्ट तो है लेकिन यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं कहा बड़ा अलग सा सिस्टम लगा, है ये पार्ट लेकिन आपको ऐसी, थैंक यू। तो लोग ऐसे ही तंग करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। जंजीबार है तो तंजानिया का पार्ट, फिर भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है इमिग्रेशन का, कहाँ से आए हो, आपकी पूरी चेकिंग दोबारा होगी, दोबारा स्टैंप लगेगी आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ से शायद लोग इधर उधर कंट्री में चले जाते हैं। और जब आप यहाँ पे आओगे ना आपको फीलिंग आएगी जैसे गोवा में आ गए बिल्कुल, और पोर्चुगल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिखेगा, फ्रेंच और पोर्चुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहाँ का सबसे फेमस म्यूज़ियम है, सामने दिख रहा है ये म्यूज़ियम है यहाँ का, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फ्रेंच वाली वाइब्स आती है और गोवा वाली वाइब्स आती है। समुंदर है यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले आया था मैं, अपने जाके हॉस्टल में सो गया था, मैं नहाया फिर बाहर निकला और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर सच में एक अलग एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा ये तो पूरे अफ्रीका से अलग कट के है, लोग ऐसे सेम दिखेंगे लेकिन काफ़ी कट के है, कटा हुआ है बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली अलग है। और इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा नहीं जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, आगे जाके बताता हूँ लोगों, आपको दिखाता रहता हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा वहाँ से लोग भागते आते हैं, जंप करते हैं, ये है वो आइकॉनिक प्लेस जहाँ से भागते भागते आते हैं लोग जंप करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने शायद इसको बंद कर दिया, रस्सियाँ लगा के ना उस जगह को बंद कर दिया, पर कुछ लोग अभी भी यहाँ से जंप मारते हैं नीचे पानी की में। मेरे को कहते हैं जंप कर लो, मैं कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती, जंप तो मैं कर लेता लेकिन स्विमिंग नहीं आती, कर रहे हैं लोग अभी, शायद शाम को शुरू होएगा। हेलो, यहाँ से जंप करेंगे सीधा पानी के अंदर। ये जो एरिया देख रहे हो इसका नाम है सारा स्टोन टाउन, और ये है स्टोन टाउन का किला जिसको जंजीबार का किला भी कहते हैं, और इसकी लड़ाई हुई थी 18 सीरीज में हुई थी लड़ाई, और सबसे दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई माना गया था इसको, जो सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर इतनी छोटी लड़ाई मानी गई थी। और जो तंजानिया है उसको माना गया था, हेलो, तंजानिया को माना गया था जर्मनी का पार्ट और इसको माना गया था ब्रिटेन का पार्ट, क्योंकि ब्रिटेन ने जर्मनी को दे दिया था ये। और यहाँ पे ना जगह जगह पे बिल्लियाँ बहुत हैं, एक ये बिल्ली है देखो कैसे बैठी है, जैसे कुछ नहीं कहेंगे लोग इनको, ये बैठी हैं, एक ये बैठी है, एक ये पड़ी है, एक ये, कितनी बिल्लियाँ यार मैंने तो इतनी ज़िंदगी में देखी, एक ये घूम रही है, एक वहाँ घूम रही है, एक दो यहाँ बैठी हैं, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं यार यहाँ पर। तो यहाँ पे आके आपको लगेगा कि जैसे आप किसी फ्रेंच कंट्री में आ गए हो, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग हैं, गोवा का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन कह सकते हो, आप देख सकते हो चारों तरफ ये 5-स्टार होटल हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी, यहाँ पर इतने इंडियंस हैं जो यहीं के बॉर्न ब्रॉटअप है, गुजराती हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं जो यहाँ पर यहीं बॉर्न ब्रॉटअप हुए, यहीं इनके बिजनेस सेटल हैं, जब बहुत टाइम पहले उनके फोर फादर्स आ गए होंगे तब से यहीं सेटल्स हैं, जो देखने में आपको इंडियन लग रहे हैं ना वो इंडियन नहीं है,
वो गुजराती और पाकिस्तानी है, जिनके जो यहाँ के लोकल ही हैं। वो अच्छे देखने में आपको लगेंगे इंडियन है, पर यहाँ के वो लोकल बंदे ही हैं। बड़ा सुंदर होटल है, देखो टेम्पो होटल कितना अमेजिंग लग रहा है। तो अच्छी जगह और थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन तंजानिया में जो मेनलैंड तंजानिया था ना, उसमें ज़्यादा है। आप कुछ लोग कहेंगे तंजानिया और ये भी उसी का पार्ट है मेनलैंड, ये भी नहीं। यहाँ पर जो अगर मेनलैंड होता है, अगर किसी को पता है, तो फिर उसकी इमिग्रेशन की होती है अगर मेनलैंड होता है। पर बहुत ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर लगा है मुझे तो। ये एक स्ट्रीट है, पेंटिंग स्ट्रीट, ओके यू बिकम अ फेमस। ये यहाँ की कोई पेंटिंग स्ट्रीट है, पर इनकी एक बात है, तंजानिया में भी देखा था मैंने, यहाँ पे भी देखा है, पेंटर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सुंदर बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। आपने देखी होगी कभी, देखो हाथ से बना देते हैं, इतनी सुंदर जान डाल देते हैं पेंटिंग के अंदर। कोई कोई लगी तो बहुत सुंदर है। हेलो, थैंक यू। ये देखो बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगती है मुझे तो, कोई कोई पेंटिंग ऐसी करती है, ले जाओ यहाँ से। थैंक यू, वेलकम सो मच। थैंक यू सर, हेलो सर, यू मेक दैट? ओ वाओ, सच अ नाइस पेंटिंग। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? कोको। कोको, यस। ये देखो कोको ने बनाया, कोको बना रहा है, बड़ी सुंदर बना रहा है कोको। कोको इट्स डिफिकल्ट टू और जस्ट इमेजिन एंड यू मेक दैट? आई डू दैट, जस्ट इमेजिन and you make that. Okay, for you, what's your favorite painting in this, all this thing? Favorite painting here, more detailed. I feel like painting giraffe, I can show you. Giraffe. Some giraffe. Okay. How much time it will take, one painting? It depends the size and the... From this one, this one? This one, I need on 1 day. 1 day, okay. Nice. Such a nice painting. Ah, giraffe. Yes. Nice. It's... When you have an artist, na, then you have a vision is totally different from other people. Yes. It's a different from other world like that. Yeah. You have own world. Yes, it's true. Thank you. ये देखो ये पूरी स्ट्रीट ही पेंटिंग से भरी पड़ी है, हर जगह से पेंटिंग ही पेंटिंग है यार, बहुत अमेजिंग बनाते हैं, शक वाली बात नहीं है। ये अफ्रीका के तंजानिया के लोगों में टैलेंट है कि जो इतनी सुंदर पेंटिंग बना पाते हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, बार्गेनिंग करके ले सकते हो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है शेर, वाह। चलो आगे चलते हैं। आपको वैसे भी ये आप तंजानिया जो मेनलैंड है तंजानिया, वहाँ जाओगे ना वहाँ पे मिल जाएगा सारा कुछ, सेम वहाँ पे है। आई थिंक यहाँ पर प्राइस थोड़े महंगे हैं एज कम्पेयर टू तंजानिया में, जांजीबार से। जांजीबार में प्राइस थोड़े महंगे, यहाँ पर जांजीबार में थोड़े महंगे प्राइस है, लेकिन तंजानिया मेनलैंड है ना वहाँ पे सस्ते प्राइस है। चलो आपको आगे दिखाता रहता हूँ, इस सिटी को घूमने में मज़ा भी आ रहा है। ये देखो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको, देखने में भी अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा ना, यहाँ के आपको फीलिंग आएगी जैसे पुराना पोर्चुगल में नहीं आ गए होते, पोर्चुगल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा लगेगा। यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिल रहे हैं दो दो तीन तीन डॉलर के, यहाँ से एक लेके जाऊँगा फ्रिज मैग्नेट भी यहाँ से। ये थोड़ी जगह अच्छी लगी मुझे, $2 ईच। थोड़ी थोड़ी गोवा जैसी वाइब्स आ रही है, थोड़ी थोड़ी फॉरेन जैसी वाइब्स आ रही है, अफ्रीका तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। शायद मैंने गलती कर दी, मुझे पहली बार में जांजीबार आ जाना चाहिए था, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए थी। अगर कोई आता है तो तंजानिया आ जाओ, तंजानिया में सारा कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ अमेजिंग व्यू भी बहुत आपको अच्छा मिल जाएगा, पार्टी वाला माहौल भी अच्छा वाला मिल जाएगा, और जगह भी अच्छी लग रही है। ये देखो हर जगह छोटे छोटे कैफे बने हैं, ये स्टोन टाउन कैफे, स्टोन टाउन हॉस्टल मेरा आगे है, वैसे पीछे एक और हॉस्टल था वो भी ऑनलाइन शो कर रहा था पर मैंने वो ले लिया। आगे एक स्ट्रीट है यार, यहाँ से तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़े दिन रुक जाऊं फिर ट्रैवल करता हूँ किसी इंडियन रास्ते अंदर। हॉर्न नहीं मारते यार यहाँ के लोग, जो मर्जी हो जाए जितना मर्जी फर्क पड़ जाए हॉर्न नहीं मारते बिल्कुल भी ना। नाम छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे कैफे खुले हुए हैं, स्पा ब्यूटी स्पा। अरे मेरा हॉस्टल भी इसी गली में ही है, थोड़ा सा तो लगता है बंदे को घबराहट होती है,
पर इट्स ओके, चल जाता है। अपना जो कीमती सामान है वो ऊपर रख के जाओ, और जो जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके जाओ, बेसिक बेसिक सी। देखो पेंटिंग बहुत सुंदर बना रखी है, ये थोड़ा सा राजस्थानी आर्किटेक्चर नहीं लगता दरवाजे दरवाजे देख के? हेलो, ऐसा फील आएगा जैसे राजस्थान की गलियों में घूम रहे हैं। पुलकित को पता लग गया होगा, क्योंकि हम मैं और पुलकित उदयपुर गए थे ना। अगर आपने उदयपुर वाला ब्लॉग नहीं चेक करा था ज़रूर चेक करना, बड़ा अमेजिंग था। ये है मेरा हॉस्टल जिसका नाम है स्टोन टाउन हाउस, इसके मैं पे कर रहा हूँ एक रात के $18। मुझे पता है एक्सपेंसिव है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने सर ले लिया। अंदर से भी दिखाता हूँ कितना सुंदर दिखता है। ये देखो एंट्री तो ऐसी है कुछ, और ये मैं हूँ कपड़े उपड़े चेंज करके नहा धो के। देखा मैंने कहा था ना बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ जॉब करते हैं, रिसेप्शन बैठा है वो इटालियन है, वो यहाँ जॉब करता है। यहाँ की वाइब्स अलग हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीका से, आप मैच करोगे ना तो टोटली अलग लगेगा आपको। लेकिन गोवा में जाके तो आपको लगता है जैसे इंडिया का ही पार्ट है, मुंबई के लोग हैं, पुणे के लोग हैं। यहाँ पर नहीं ऐसा, यहाँ पर अलग लोग हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे रूम में पाकिस्तान के बंदे हैं, वामिक शायद नाम है उनका, और कैनेडा बॉर्न ब्रॉट अप है। पाकिस्तान 2000 में गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए, पर अच्छी वाइब्स आती हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अगर मुझे जगह की वाइब्स पसंद नहीं आती ना, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ वहाँ से। ये है कुछ मेरा हॉस्टल, इसमें 4 बेड लगे हैं, थक गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। ये है मेरा बेड, देखो कितना सुंदर है बेड से तो प्यारा लगता है, कोजी कोजी सा माहौल है। ये मामी के जो मैंने आपको बताया था, ये कनाडा रहते हैं यहाँ घूमने आए हैं। चलो अब आपको फिर बाहर चलते हैं ना, फिर दिखाते हैं। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, लेकिन गर्मी गोवा से भी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके सी यू गाइस, मिलता हूँ उधर में।